वेलकम स्टूडेंट्स जी, आज हम साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसका इंट्रोडक्शन ही है। हम डेफिनेशन देखते हैं साइकोलॉजी की। डेफिनेशन क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज इफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कंटेंट। ठीक है, यानी कि हमने साइंटिफिकली ह्यूमन माइंड को स्टडी करना है और उसके फंक्शंस को स्टडी करना है, लेकिन उनको ह्यूमन माइंड और उसका फंक्शंस डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस हम जूलॉजी में भी स्टडी करते हैं, बायो में भी स्टडी करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम उसको स्पेशली रिलेट करेंगे बिहेवियर के साथ कि वो बिहेवियर पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। सेकेंड टॉपिक जो आपका है जी, फर्स्ट टॉपिक में जस्ट डेफिनेशन ही है, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है अप्लाइड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बेसिकली जो साइकोलॉजी है इसकी टू मेन फील्ड्स होती हैं, जो कि है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी है, यानी कि जिसमें हम कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है कि पुट दैट रिसर्च टू वर्क टू आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन सोल्यूशंस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने रिसर्च की हुई है उस रिसर्च को जो है वो पुट करना है, उसको अप्लाई करना है इंडिविजुअल के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि उसको किसी के फायदे के लिए यूज़ करना है। अब जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ये इंडिविजुअली जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि रिसर्च कर लिया उसको अप्लाई ना किया, लेकिन जो अप्लाइड साइकोलॉजी है ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बगैर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की, सॉरी डिपेंडेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की, और जो एक्सपेरिमेंटल है वो इंडिपेंडेंट है। देखें जी, अप्लाइड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, यानी कि अगर हम जो है वो साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर कौन कौन से कैरियर्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डिडक्टिव है, चाइल्ड कस्टडी वर्कर है, प्रोबेशन ऑफिसर है और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले है जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में काम करते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंडिविजुअल्स की या जो किसी भी ग्रुप की किसी भी इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उसको ये जो है वो डील करते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी को जो है वो क्योर करते हैं और उसके मेंटल लेवल को चेक वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी डिटेक्टिव। डिटेक्टिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? अब साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि ये क्रिमिनल से कुछ ला इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और ये क्रिमिनल से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इस तरह से उनसे डील करते हैं कि अपने डीलिंग के दौरान, अपने क्वेश्चंस के दौरान जो क्रिमिनल होते हैं उसकी बातों से जज करते हैं कि आया उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया, वो क्राइम कमिटेड है या नहीं है। चाइल्ड कस्टडी वर्कर्स हैं जी। चाइल्ड कस्टडी वर्कर्स क्या होती हैं? ये हाई कोर्ट्स के अंदर आफ्टर डिवोर्स जो बच्चे हैं वो माँ और बाप दोनों के दरमियान जो है, अगर दोनों जो है वो बच्चों को अपने पास रखना चाह रहे हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि जो चाइल्ड कस्टडी वर्कर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेरेंट्स की और जो बच्चा होता है उसकी साइकी को चेक करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए, या रिटन क्वेश्चंस हो सकते हैं या ओरली उनसे कुछ, या उनसे कोई गेम वगैरह करवा के या किसी भी तरह के एक्ट से जो है वो उनके माइंड को चेक करते हैं, और जिस माँ का या बाप का जिसका माइंड मेंटल लेवल जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादा कंपेटिबल होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मैच करती है, वो रिकमेंड करती हैं कि जो बच्चा है वो उसके हवाले उसकी कस्टडी में दिया जाए। देन है जी प्रोबेशन ऑफिसर्स। प्रोबेशन ऑफिसर जो है ये काउंसलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये भी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट
में ही आते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये क्रिमिनल्स को काउंसलिंग करते हैं कि वो फर्दर क्राइम ना करें, ठीक है। आफ्टर क्राइम कमिटमेंट, जब कोई क्रिमिनल जो है वो क्राइम कमिटेड कर लेता है, तो उसके बाद उसको जो है वो सज़ा की बजाय यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि नेक्स्ट वो इस तरह का कोई भी काम करने से जो है वो बाज आ सकें, ठीक है। फॉर सैनिक साइकोलॉजिस्ट हैं जी, फॉर सैनिक साइकोलॉजिस्ट भी यही होते हैं, जो कि बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका माइंड जो है वो स्टडी करते हैं, और माइंड की स्टडी के बाद देखते हैं कि अगर वो अपने जो उसने जुर्म किया है उसको वो कमिट कर रहा है, उसको जो है वो ऑन कर रहा है, मान रहा है उसको, तो वो किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रहा, या अगर वो उसे डिने कर रहा है, या उसने वो अगर किया था तो उस टाइम उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो किस तरह की है, और अपने मेंटल लेवल के हिसाब से उसने अगर वो काम किया है तो उसके पीछे उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, उसने उसे ऑटोमेटिक हुआ है या उसने जानबूझ के प्लानिंग के तहत किया है, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस और बातचीत के जरिए वो इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है जी आपका गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का मेन मकसद यही नहीं है कि हमने किसी का जो माइंड है उसको स्टडी कर लेना है, बल्कि उसको उसके माइंड को स्टडी करने के लिए, उसके माइंड तक पहुंचने के लिए जो है वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है, और फिर हम किसी भी इंसान का जो मेंटल है, जो माइंड है, उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली फोर मेन गोल्स हैं साइकोलॉजी के, जो कि हैं डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। सबसे पहले है जी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में क्या होता है, किसी चीज़ को बयान करना, ठीक है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वे द ब्रेन वर्क इन ऑर्डर टू बेटर सर्व ह्यूमैनिटी, यानी कि किसी दूसरे के बिहेवियर को देखते हुए उसको जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको समझना है, और उसको समझने के बाद अपने माइंड में उसके मतलब कोई ना कोई एक्ट बनाना है। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बच्चा जो है वो उसका स्कूल में फर्स्ट डे है, वो फर्स्ट डे स्कूल के अंदर उसका एडमिशन हुआ है, वो क्लास में बैठा है, जैसे ही हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम में पीएन आता है बेल बजाने के लिए, ठीक है। अब बच्चे का फर्स्ट डे है, उसको नहीं पता कि ये कौन है, टीचर जो है वो उसको डिस्क्राइब करेगी, टीचर जो है वो उसको बताएगा कि ये पीएन है, ये इस तरह से बेल बजाएगा, जब बेल बजेगी तो आपको ब्रेक टाइम होगा, ब्रेक टाइम में आपने लंच करना है, खेलना है, और इतने टाइम का ब्रेक टाइम है, इस तरह से आपने क्लास से बाहर जाना है और फिर क्लास के अंदर वापस आना है, ठीक है। फर्स्ट जो 3 to 4 days या फर्स्ट जो वीक होगा, वो जो टीचर है वो उसको डिस्क्राइब करके बताता है उस बच्चे को कि आपने किस तरह से करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे के माइंड में जो है वो उसका स्केच बनता जाता है, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट गोल। अब सेकंड गोल में क्या होता है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या होता है कि जो बच्चे का बिहेवियर है आफ्टर फ्यू डेज़ या आफ्टर वन वीक, क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जो है बेल बजती है, बच्चा खुद ब खुद जो है वो बाहर चला जाता है, या उसने लंच करना है, खेलना है, जो भी काम करना है वो ऑटोमेटिकली करता है, टीचर को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वो किस वजह से है, क्योंकि उसके माइंड में एक स्केच बन चुका है, वो उसको एक्सप्लेन करने के काबिल है अपने बिहेवियर को, और उसे पता है कि डेली इस टाइम पर ये काम होना है और इस तरह से होना है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट में क्या है कि बच्चा जो है वो उसको प्रडिक्शन भी देगा, एक ऐसा एक उसका फेलो है, उसका क्लास फेलो है जिसका एडमिशन उसके बाद हुआ है, जो कि अभी सारे जो है वो रूटीन से वाकफ नहीं है, तो जो पहले से एडमिशन वाला बच्चा है वो जैसे ही पीएन को देखेगा या बेल का टाइम होगा, तो वो फौरन से जो है वो अपने साथी को प्रडिक्ट करेगा, उसे बताएगा कि अब ब्रेक टाइम होने वाला है, अब इसके बाद हम ये करेंगे, या उसको वो ये बता रहा होता है कि नेक्स्ट ये लेक्चर होगा, इस तरह से अब ये टीचर आएंगे, ठीक है। वो जिनकी उसको प्रडिक्शन कह रहा है, वो प्रडिक्शन किस बेस पर कह रहा है, अपनी एक्सप्लेनेशन की बेस पर, जो उसका माइंड लेवल उसको एक्सप्लेन कह रहा है, और एक्सप्लेन किस बेस पर कह रहा है, अपनी डिस्क्रिप्शन की बेस पर, उस बेस पे जो के टीचर ने उसको पहले दिन जो है वो डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उसके बाद है जी कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि अब इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि अब प्रेडिक्शन में हम ये भी ऐड कर सकते हैं
कि एक जो बच्चा है वो उसके माइंड में ये स्केच बैठा हुआ है कि इस टाइम पे पीएन आएगा तो बेल रिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो उस टाइम से थोड़ा पहले भी जो है वो पीएन को उस साइड पे आते हुए देखेगा तो उसके माइंड में फौरन ये स्केच बनेगा कि अभी बेल रिंग होगी और अभी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, हालाँकि वो नहीं होती, ठीक है। यानी कि वो उसको स्टिमुलस को देख के उसका जो माइंड है वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि इसी एक्सपेरिमेंट को जो है उस बच्चे ने सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन से सीखा है उसको वो अपने डिफरेंट कंट्रोल के तौर पर, यानी कि अपनी बाकी पूरी क्लास को या अपने बाकी जो न्यू कमर्स हैं, जो बाकी फेलोज़ हैं, उनको बता के वो पूरे का पूरा एक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि उसके माइंड में एक स्केड्यूल है, वो उनको एक कंट्रोल ग्रुप के तौर पर जो है वो डील कर सकता है लीडर के तौर पर कि इस टाइम पर ये काम होगा, इस टाइम पर ये काम होगा, ठीक है। अब इसी तरह साइकोलॉजी में होता है कि जब भी किसी इंसान के माइंड को स्टडी करना होता है तो सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन ली जाती है, यानी कि उसकी बात सुनी जाती है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन के बेस पे जो है उसकी प्रेडिक्शन दी जाती है कि अगर इस इंसान ने ये काम किया है तो हो सकता है इसके पीछे ये रीज़न हो। उसके बाद उसको जज किया जाएगा कि क्या वाकई ही वो प्रेडिक्शन सही है या गलत है। अगर वो प्रेडिक्शन सही निकलती है देन उसको कंट्रोल किया जाता है कि ये काम अगर इस रीज़न की वजह से इसने ये काम किया है, नेक्स्ट ये डिसीजन अगर ना बने, इसकी लाइफ में इस तरह का कुछ ना हो तो ये दोबारा से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम साइकोलॉजी को लेके चलते हैं। ये जी आपके चैप्टर के जो छोटे छोटे से तीन टॉपिक थे, इंट्रोडक्शन था, अप्लाइड फील्ड्स थी और गॉड्स ऑफ साइकोलॉजी थी, ये हो गई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो इसके मेजर टॉपिक्स से स्टार्ट करेंगे।